साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गार्डनिंग करने से मन को जो है बहुत शांति मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं भी गार्डनिंग कर लेता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूं कोचिया का प्लांट। यह जो कोचिया का प्लांट है, गर्मी में हरा भरा रहता है और गर्मी में बहुत ही शानदार लगता है। सजावट के रूप में, हरियाली के रूप में इसको लगाया जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है आपके घर में, आपके गार्डन में, नर्सरी में। तो आज मैं ये लगाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से लगाना है। तो अगर हम सॉइल की बात करें तो एज ऑलवेज हमेशा की तरह सॉइल जो है गोबर की खाद, मिट्टी और धान का भूसा जो है मिक्स कर लिया हूँ। साथ में कुछ मेरे पास किचन वेस्ट थे तो उसको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है एज ए फर्टिलाइजर। और मैंने ये 10 इंच का जो पॉट है वो ले लिया है, इस पर मैं इसको लगाने वाला हूँ, रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो मैं ये जो है प्लांट्स लेके आया था, इसमें मिट्टी है तो मिट्टी से मैं अलग अलग कर लेता हूँ प्लांट्स को। बहुत सारे प्लांट्स हैं, हालांकि मेरे पास 5 प्लांट्स हैं तो मुझे 5 पॉट की ज़रूरत होगी। हालांकि यहाँ पे मेरे पास 4 पॉट हैं, मेरे पास और भी पॉट्स हैं तो मैं ले आता हूँ। इसको हम करते हैं अभी रिपोर्ट करने के लिए। हम जो है 10 इंच का जो पॉट है वो ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और इसमें सबसे पहले ड्रेनेज वॉल जो है उसको पैक करने के लिए हमको डालना होगा पत्थर या मिट्टी, जो भी है आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मिट्टी है वो जाम ना हो और ड्रेनेज जो है अच्छा बना रहे। हालांकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज करता हूँ, इतना यूज करने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको। उसके बाद हम ले लेंगे इसमें सॉइल, जो भी सॉइल है आपका जो बना के रखे होंगे अच्छा होगा, वेल ड्रेन सॉइल बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो कोचिया का प्लांट है बहुत ही हरा भरा होता है और गर्मी में सबसे ज़्यादा हरियाली दिखने वाला प्लांट होता है। तो इसमें मैं ले रहा हूँ हमारा जो सॉइल है, जो मिट्टी का मिक्स है, जितना ज़रूरत है उतना हम इसमें मिट्टी डालेंगे। उसके बाद जो प्लांट्स है उसको रखने के बाद हम देख लेंगे हमको कितना मिट्टी डालने की ज़रूरत है। पूरा हमको भरना नहीं है, क्योंकि पूरा भर देने से होता क्या है, जब हम पानी डालेंगे तो जगह नहीं बचेगा हमको पानी डालने के लिए। तो कुछ इस तरह से हमको मिट्टी जो है इसमें डालते जाना है। और जो प्लांट्स हैं इसको हमको मिट्टी के साथ प्रेस नहीं करना है, उससे क्या होता है जो जड़ें होती हैं वो जड़ें दब जाती हैं और प्लांट खराब होने का डर जो है वो बना रहता है। मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा हम सेट कर देंगे मिट्टी को गमले के साथ में, ताकि जो रूट्स हैं वो सेट हो जाएं। तो बस मैं इतनी मिट्टी डालने वाला हूं। और ये हमारा जो कोचिया का प्लांट है वो लग चुका है, इसमें मैं वाटरिंग करूंगा। वाटर भी जब हम डालेंगे इसमें तो हल्के हाथों से देना है, डायरेक्ट हमको पानी नहीं डालना है। तब तक मैं कर लेता हूँ बाकी प्लांट्स को रिपोर्ट। जो कोचिया का प्लांट है वो मैंने लगा दिया है, ये देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 बड़ा वाला पॉट एक नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने छोटे वाले पे लगा दिया है। तो ये 5 जो प्लांट हैं कोचिया के मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से आप कोचिया को लगा सकते हैं और गर्मी में हरियाली जो है वो ले सकते हैं अपने गार्डन में, अपने घर में। इनमें वाटरिंग कैसे करनी है वो भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जब आप प्लांट लगाते हैं तो डायरेक्ट पानी नहीं देना है, आपको हाथों की सहायता से ऐसे पानी को देना है। और जो ड्रेनेज होल होगा उसमें पानी एक बार निकल जाने दीजिएगा, ताकि पूरी जो मिट्टी है वो मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। तो मैं पूरा एक बार भर दे रहा हूँ इसमें हाथों की सहायता से पानी। और जब भी आप कोई भी प्लांट लगाते हैं, प्लांट लगाने के बाद कुछ दिन तक के लिए आपको उसको शेडी प्लेस में यानी कि छाया में रखना होता है, ताकि जो प्लांट्स हैं वो सेट हो जाएं मौसम के हिसाब से और मिट्टी में। उसके बाद आप चाहें तो धूप में रख सकते हैं। और वैसे तो कोचिया जो प्लांट है वो धूप में चलने वाला प्लांट है, तो ये धूप में ही रखना होता है इसको। लेकिन जब तक के लिए सेट नहीं होता है हम इसको छांव में ही रखेंगे। और पानी आपको इतना देना है कि ड्रेनेज होल जो है उससे पानी बाहर आ जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ड्रेनेज होल से पानी जो है वो बाहर आ रहा है। इस तरह से आप कोचिया का जो प्लांट है वो लगा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।